हेलो, अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम अस्सलाम जी। जी कौन साहब, डॉक्टर कहाँ साहब से? जी, डॉक्टर साहब, मैं अब्दुल मनान बात कर रहा हूँ रायगढ़ से। जी जी मेरी जान मेरी जान, फरमाएं क्या हाल है आप? अल्हम्दुलिल्लाह पहला अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह डॉक्टर साहब, तीन मसले बने पड़े हैं। तो बकरा डॉक्टर तो फिर वो जो बैठा उठ नहीं रहा था, उठ के भागा या नहीं? मैंने कहा था भागेगा नहीं, वो दौड़ेगा। डॉक्टर साहब अभी भाषा नहीं है, लेकिन जो आपने ट्रीटमेंट बताया वो भी मतलब परसों बात हुई थी, वो भी उसे लेके चल रहा हूँ। इंशाल्लाह अभी कल या परसों तक मजीद आपको बताऊंगा। अभी बहरहाल वो अंडर प्रोसेस है, समझ रहे लेकिन हैं यह आप। कि चल मैं पड़ा है ना, समझ उठ गया है ना, चल पड़ा रहा है। हूँ जी, चल पड़ा है, बस बैठाना पड़ता, खुद अब हाँ, पढ़ रहा है खुद ही। आप वजनी देखना बहुत है ना उसका वजन उसका बहुत है। हाँ असल वजनी बहुत है, वजन बहुत है उसका, जी, वो 300 ऊपर है ना, वही तो लेकिन ना। अब तो काफी वीक हो गया बेचारा। अल्लाह ताला रहम फरमाए। अच्छा फरमाए जी, अच्छा तीन मसले जो हैं बताएं क्या मसले आए हैं। जी, पहला मसला डॉक्टर मसला, साहब, पहला मसला एक ये है कि एक जो एक मतलब करके जी लूंगा, एक एक करके। पहला मसला, जी हाँ जी जी पहला मसला ये डॉक्टर साहब कि बकरे या दो, उन्होंने शायद एक दूसरे के कान को खा लिया, कटे थे ना, उनमें भी दांत काटने वाला भी आता, मैंने पहले तो ऐसा देखा जानवर। तो दो बकरों के कान पे जख्म आ गए हैं और एक का जख्म कट लग गया, जो कुर्बानी का जानवर था थोड़ा कट लग गया, लेकिन ये वो ठीक हो गया। मैंने उस पर डायरेक्टली प्लस और एंटीबायोटिक वगैरह किया, लेकिन एक का कान पे डॉक्टर साहब क्या हुआ, वो एरिया उसका कहते खुश्क हो गया, और वो अगर खुश्क हो गया उसका गिर गया तो जानवर बड़ा महंगा गया, तो नुकसान हो जाएगा, क्या करें आप, उसका खून इसमें जैसे आ रहा हो, बड़ी सख्त हुई पड़ी है जगह किनारा। अल्लाह अकबर, क्योंकि ये बड़ा सेंसिटिव इशू है, इसमें लोग जो होते हैं ना वो बड़ा देखभाल करके लेते हैं, खास तौर पे कान वगैरह काटा हुआ तो नहीं है, और उनको ये नहीं पता कि अगर तो कान लोगों ने काटे होते हैं कई कई दफा, जो कान काट लेते हैं वो तो कुर्बानी के लिए, हमारे उलमा कहते हैं कि वो नहीं लगता, उसकी कुर्बानी नहीं, ठीक है। लेकिन अगर आपका इस तरह हो और खुदा ना खास्ता कोई एक्सीडेंट से कान थोड़ा कट गया, कट लग गया, तो कोई वो उसमें हर्ज नहीं है। मेरा ख्याल है कि उसका काफी अच्छा ये इलाज, डॉक्टर साहब, इसका काफी इलाज, अच्छा ये। जी उसका इलाज करके आप इंशाल्लाह ताला बिक जाएगा, अल्लाह ताला के फजलो करम से नहीं डॉक्टर आप। साहब, वहां से ठीक लिए थे, ये इनके अंदर एक बकरा था, उसने कान डैमेज किया, दांत काटे हैं, कान ना खराब, वो परसों का था। कान को काटता है, खाता है, हाँ जी, वो उसको अलग से हमने बेच दिया, बेच दिया है ना। अच्छा किया, वो उसे बेच दी, जान निकाल दिया। होगा भी आंडल होगा। नहीं वो डॉक्टर साहब, अब डॉक्टर साहब हुआ है अंडर, नहीं तब खसी है, लेकिन उसकी मतलब वो टेस्टिकल से पोजीशन ऐसी नजर आ रही थी कि रिसेंटली जैसे हुआ है, अभी वो प्रॉपर मतलब खसी हुआ नहीं था ना, उसमें आजकल के आसार ऐसे आ हाँ, जाते हैं। नहीं, सवाल ही नहीं पैदा होता कि खसी में ये आदत हो, ये नहीं वो आदत। रिसेंटली करवाया उन्होंने, वो बताते थे कि हाँ हमने 15-20 दिन पहले करवाया। हाँ फिर करवाया, अदरवाइज ये देखें, ये इसीलिए मैं कहता हूँ ना, 6 महीने से 1 साल की उम्र जो है बेस्ट होती है इनकी, उस वक्त आप कराएं, ठीक है ना। जब खरीदें भी, बड़ा बड़ा करने के लिए, मोटा फरबा करने के लिए, कारोबारी हजरात हमेशा 6 महीने से लेके 1 साल का बकरा खरीद के वो लाएं और अपने फार्म में रखें, उनको फरबा करें अगली कुर्बानी के लिए, ठीक है। लेकिन डॉक्टर साहब एक बात सुनी है, कहते हैं कि अगर इसे कसी करवा दो तो जानवर की अपना हाइट बढ़नी उधर ही रुक जाती है, फिर वो मोटा होने लग पड़ता है, ऐसे है कुछ सच है क्या? नहीं, कोई ऐसी बात नहीं है उससे कोई उसकी रुकावट नहीं होती, लेकिन यह कि देखने में ये आया है कि जो हरकातो सकनात करता है, जो कि बहुत ही बुरी होती हैं, पेशाब पीना और अपना उज्वे तनासल निकाल के बाहर निकालना, बाहर बा और इधर उधर चढ़ना, इधर भागना, वो तो उन पे तो सबके कंट्रोल हो जाता है ना, जी उसमें शराफत आ जाती है और शरीफ हो जाते हैं। बहरहाल मेरी बिल्कुल जान बात सुन लें, अब आपका ये जो मसला है, इसके वो टेराजन तो वो स्प्रे तो किया है ना आपने, उससे ठीक हुआ जी, है, वो हम कर रहे हैं। वो करते जाएं, इसको कंटिन्यू रखें।
और अगर कोई जख्म तो उसे मुद्दमे हो जाना चाहिए। कोई खारिश वारिश तो नहीं वो फील करता? दो है ना, दोनों को जख्म है। एक का जख्म इस तरह का कि वो ठीक हो रहा है, मतलब कह रहे थे प्लस से रिकवरी रिकवरी है, कहा और एक जाएगा? का कान का एरिया जो कॉर्नर है वो जख्म से इंजरी इस तरह की है कि वो डॉक्टर साहब सख्त हो गया आगे से, जैसे लगता है कि सूख के गिर जाएगा कॉर्नर का। उसकी हमें बड़ी फिक्र है कि अगर वो गिर गया तो फिर तो बिल्कुल इतना बड़ा पीस उतर जाएगा, तो फिर तो किसी ने भी नहीं लेना, तो शायद खून इसमें आ रहा या पता नहीं, वल्लाहु आलम क्या बना। अच्छा भला जानवर था। नहीं वो तो फिर फिजिकली बंदा चेक करके बता सकता है, लेकिन ये है कि अल्लाह दुआ करूंगा कि वो भी ठीक हो जाए। लेकिन बेस्ट यही है टेराजन या सीटीसी स्प्रे का, आप उस पे भी करते रहें थोड़ा बहुत, अगर हो सके तो ऑयल जो है ना सरसों का वो तेल लगा वो दे ताकि लगाएं। नरम रहे। अच्छा हाँ नरम, वो सरसों का तेल लगाएं और उस वो सरसों का तेल लगाएं, और अगर थोड़ी सी सल्फर हो जाए गंधक जो है वो सरसों के तेल में थोड़ी सी वो मिक्स करके वो भी लगाते हैं। जी, वो मैं तो रखी हुई डॉक्टर, मिक्स करके रखी हुई फॉर्म पे ना बस वो परमानेंट। लगा के रखें, उससे ये होगा कि खुदा ना खास्ता अगर कोई खारिश वगैरह या स्किन प्रॉब्लम वो इसका नहीं आएगा। अवल तो टेराजन से ही इसका हो जाएगा इलाज, लेकिन बेहतर ये है कि उसमें तेल और तेल के अंदर थोड़ी सी सल्फर मिला के वो लगाते रहें। चलो ठीक हो गया इंशाल्लाह, ये है दोनों चीजें मेरे पास ये थोड़ा। पहला ये पहला सवाल आपका हो गया। इस प्रोग्राम का इख्तिताम इस हदीस मुबारक पर कर रहा हूँ। हजरत सहल बिन साद रजील ताला अन्हु से रवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक मशरूब यानी पानी या दूध वगैरह लाया गया, तो आपने उसमें से कुछ पिया और आपकी दाई जानब एक लड़का और बाई जानब बुजुर्ग लोग थे। आपने लड़के से फरमाया, क्या तू मुझे इस बात की इजाजत देता है कि मैं यानी तेरे बजाय पहले इन बुजुर्गों को दूं? तो उस लड़के ने कहा, नहीं अल्लाह की कसम, ऐ अल्लाह के रसूल, मैं आपकी तरफ से मिलने वाले अपने हिस्से में किसी को तरजीह नहीं दूंगा। चुनाचे रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो यानी प्याला उस लड़के के हाथ में रख दिया। ये मैं बुखारी और मुस्लिम से कोट कर रहा हूँ, दुआओं में याद रखें। फी माल्लाह। पाकिस्तान, हिंदुस्तान और बांग्लादेश से कॉल्स जुम्मा के सिवा रोज़ाना सुबह 11 से दोपहर 1 बजे तक ली जाएंगी, और यूरोप और बैरून ममालिक से कॉल्स शाम 4 बजे से 5 बजे तक ली जाएंगी। इन औकात पर 0333-5121-879 पे डॉक्टर अशरफ साहिबजादा से राबता करें। शुक्रिया।